मसाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी जिसे हम कहते हैं कटोरी चाट, जो आपके बच्चों को बहुत ही अच्छी और बहुत ही पसंद आने वाली चीज। तो आइए झटपट हम इसके इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिए। कटोरी चाट बनाने के लिए जो हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि कटोरी में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा, तो आइए उसे नोट कीजिए। उसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा यानी ऑल पर्पज फ्लावर, 1 चम्मच हमें लगेगा नमक, हमने लिया है अजवाइन जो कि हमने लिया 1 चम्मच, और साथ में हमने लिया है घी, यहाँ पे हमें 4 चम्मच घी लगेगा। आप चाहें तो घी की जगह सनफ्लावर ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और हमने लिया है गुनगुना पानी। तो आइए अब हम पहले कटोरी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैदे में हम डाल देते हैं अजवाइन, साथ में हम डाल देते हैं नमक, और इसके साथ हम डाल देते हैं 4 चम्मच घी, और अगर आप सनफ्लावर ऑयल यूज कर रहे हैं तो सनफ्लावर ऑयल। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद पहले हम इसे एक बार अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ताकि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब हम एक गुनगुने पानी की मदद से एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे, जो कि हमें उतनी सॉफ्ट होनी चाहिए जितनी हमें रोटी का डो लगता है। तो ये देखिए हम डो बनाते हैं, और अब हमारा डो एकदम रेडी है, और अब हम इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट अब हो चुके हैं, तो हम आगे का प्रोसेस अब शुरू करते हैं। 15 मिनट बाद हम एक बार फिर से इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं, और अब हम एक लोई लेंगे। लोई का साइज हमारी रोटी के साइज उतनी बड़ी होनी चाहिए जितना हमारा कटोरी कवर हो सके, तो उसी हिसाब से हम लोई का साइज एडजस्ट करेंगे। और अब इसे हम गोल बेलेंगे जिस तरह हम रोटियों को बेलते हैं। आपको उतना बड़ा गोल बनाना है ताकि जिस साइज की आप कटोरी ले रहे हैं वो एकदम अच्छे से कवर हो सके। तो ये देखिए मैंने गोल अब रेडी कर लिया है, और अब हम जिस कटोरी को लेंगे उस कटोरी के पीछे हम इसकी ग्रीसिंग कर देते हैं। तो हमने थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल इसके पीछे लगा दिया है, और अब हम इसे कवर कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी कटोरी पूरी अच्छी तरीके से कवर हो जानी चाहिए, और इसे किनारों से प्रेस करते जाइए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बचे तो उसे आप चाकू की मदद से काट कर हटा सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से कवर हो चुका है। तो अब हम इसे कवर करने के बाद इसे एक पियर्स कर देते हैं फोक की मदद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप इसे अच्छे से पियर्स कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा जब आप कटोरी को फ्राई करेंगे पूरी की तरह फूलेगी नहीं। अगर आप इस प्रोसेस को करना भूल जाते हैं तो आप जैसे ही कटोरी को तेल में डालिएगा फ्राई करने के लिए वो पूरी की तरह फूल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे अच्छे से पियर्स कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से पियर्स कर दिया है, और ये प्रोसेस आपको तभी करना है जब आपने कटोरी को मैदे से कवर कर दिया है। तो आइए इधर हमने ऑयल गरम होने के लिए दिया है, जब ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें कटोरी डालेंगे। कटोरी को फ्राई करते वक्त हमें एकदम मीडियम फ्लेम पे हीट रखना है ताकि कटोरी हमारी अच्छे से पक जाए और अंदर से कच्ची ना रहे। अब देखिए हम इसे कैसे फ्राई कर रहे हैं, फ्लेम हमारा एकदम मीडियम है। जब ये आपका पक जाएगा तो खुद ब खुद आपकी कटोरी को छोड़ देगा। ये देखिए मैदे की कटोरी ने हमारी कटोरी को अच्छे से छोड़ दिया है। हम इसके अंदर भी थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि ये अंदर से भी पक जाए। ये देखिए लो फ्लेम में पकाने से ये पूरी अच्छे तरीके से पक जाएगा, और जब ये अंदर से भी थोड़ा अच्छे से पक जाए तो हम इसे फ्लिप कर देते हैं किसी चाकू या किसी भी चीज की मदद से, ताकि ये दोनों तरफ से एकदम अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों ये देखिए कटोरी हमारी कितनी अच्छी सी पकी है, इसका कलर देखिए कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो कटोरी हमारी रेडी है, तो आइए अब इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए जो मैंने सामग्री लिया है वो आप एक बार चलिए देख लेते हैं। हमने लिया है बॉइल्ड आलू, इसे मैंने क्यूब्स में छोटे छोटे काटे हुए हैं। साथ में हमने 1 कटोरी बेसन का सेव लिया है। हमने मूंग लिया है जिसे मैंने कुक प्रेशर कुक किया है। आप चाहें तो सिर्फ रात भर भिंगोकर मूंग भी यूज कर सकते हैं। हमने प्याज लिया है जिसे मैंने बहुत छोटे छोटे काटे हुए हैं। मैंने अनार के दाने लिए हुए हैं। मैंने लाल चना लिया हुआ है जिसे मैंने रात भर भिगोकर छोड़ दिया था। साथ में हमने इमली की चटनी ली है,
इधर हमने लिया है काला नमक, भुना हुआ जीरा और चाट मसाला पाउडर। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम कटोरी की स्टफिंग करते हैं। पहले हमने इसमें डाला है आलू। आपको जो सामग्री ज्यादा टेस्टी लगती है, ज्यादा पसंद आती है, आप वो ज्यादा यूज कीजिए। कटोरी भरने का बस एक ही फंडा है कि आपको जो चीज ज्यादा पसंद है आप उसको अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिए। मैंने आपको सामग्री जो जो लगेगी वो सब बताई है, पर इसकी क्वांटिटी आप एकदम अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। अगर लाल चना ज्यादा पसंद है तो लाल चना यूज कीजिए, अगर मूंग ज्यादा पसंद है तो मूंग यूज कीजिए, अनार ज्यादा पसंद है तो अनार ज्यादा यूज कीजिए, खट्टा ज्यादा पसंद है तो खट्टा यूज कीजिए। तो हम अब इसकी स्टफिंग कर रहे हैं। मैंने आपको दही बताना सामग्री में दिखाना भूल गई थी, पर आप दही जरूर यूज कीजिए बिकॉज इससे स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है। ये डाला मैंने काला नमक, ये डाला मैंने चाट मसाला पाउडर और साथ में भुना हुआ जीरा और लास्ट में इमली। तो आखिर में हम इसे फाइनल टच देंगे बेसन के सेव से। मैंने मोटे वाले बेसन के सेव यूज किए हैं, आप चाहें तो पतले और महीन वाले बेसन के सेव भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी कटोरी चाट टेस्टी वाली एकदम सी रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे नॉर्मल डेज में बनाए या किसी फेस्टिव सीजन में बनाए, होली आ रही है आप उसे होली में भी बना सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। उम्मीद है आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन टैप तो जरूर कीजिए ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।